केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों से किसानों को अवगत कराने के लिए राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जैविक खेती, जीरो बजट फार्मिंग और प्राकृतिक खेती के हिसाब से कृषि विश्वविद्यालयों में रिसर्च की जाएगी। भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। 60% खाद्य तेल आयात किया जाता है, जिससे सरकार के खजाने पर असर पड़ता है। सरकार के इस कदम से तेल की कीमतों में बड़ा बदलाव हो सकता है। भारत में पिछले एक साल के भीतर ही सरसों के तेल की कीमत में 70-80% की बढ़ोतरी भी हुई है, जिसके चलते 1 लीटर सरसों के तेल के दाम 200 रुपये प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुके हैं। 1 दिसंबर 2020 को दिल्ली में सरसों के तेल की कीमत 136 रुपये प्रति लीटर थी, वहीं 1 दिसंबर 2021 को यह कीमत 203 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई। दामों में 70-80% की बढ़ोतरी हो चुकी है। दामों में पिछले एक साल में सरसों के तेल की कीमत करीब 67 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुकी है। हालांकि साल 2022 में तेल की कीमतों में मामूली राहत भी देखने को मिली। नए साल की शुरुआत में सरसों के तेल के दाम औसतन 150 रुपये प्रति लीटर तक थे। हालांकि 31 जनवरी को सरसों के तेल का रेट महज 151 रुपये प्रति लीटर पर रहा। 29 जनवरी को औसतन सरसों का तेल 170 रुपये तक पहुंच गया था, जो कि जनवरी महीने का अधिकतम स्तर था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।